उन रचनाकार को बुलाता हूँ जिनको सुनने के लिए आप बहुत देर से उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं विजय गोयल साहब का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने बहुत समय दिया और उनके मैंने देखा है जब उनके पास समय जितना होता है वो कवि सम्मेलन जरूर थोड़ी देर सुन के जाते हैं। आज भी उनका बहुत धन्यवाद। आइए अब हम सुनते हैं संतोषानंद जी को। संतोषानंद जी किसी परिचय के मोहताज नहीं होते। संतोषानंद जी वो शब्द शिल्पी हैं, वो मंच पर हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके दिलों में रहते हैं। रेडियो पर टेलीविजन पर ऐसा कोई क्षण नहीं है 24 घंटे में जब उनका कोई गीत ना गूंज रहा हो, ये संभव ही नहीं है। वो अमर गीतकार हैं, उनका नाम है संतोषानंद। वो फकीर हैं भीतर से, मैंने देखा है उनको, वो बच्चे की तरह हैं। जैसे एक बच्चा बड़ा पवित्र होता है भीतर से, वो मन से उनके भीतर भी वो सॉफ्टवेयर है कबीर का, एक बालक का सॉफ्टवेयर लेके जो चलते हैं वह होते हैं संतोषानंद जी, जिनको 3-3 फिल्म फेयर अवार्ड मिले। दोस्तों मेरा अकेले का सामर्थ्य नहीं कि मैं उनको बुला सकूं, मुझे आप सबका सहयोग चाहिएगा और वो ये है, एक बार सब मिलकर तालियां बजाइएगा आदरणीय संतोषानंद। दुनिया तुझे नीच कहती है, अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती। दुनिया तुझे नीच कहती है, अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कह सकती। अब तू वो चाल चल जिससे हिमालय थर्राए। वाह वाह। यहां से मुझे लगा घर भर में सब लोग समझने लगे ये तो लंगड़ा हो गया, ये क्या करेगा क्या नहीं। मैंने कहा अपने रास्ते खोजने हैं। उसी की बात थी कि मैं एक बात और याद आती है कि जो आपकी विवेकानंद बोलते हैं, जो आपकी मदद करता है आप उसको कभी मत भूलिए। वाह। और जिस पर आपका भरोसा है उसे आप धोखा मत दीजिए। ये आदमी है मेरे जीवन काल में बहुत से खाला आई, खाली जगह आई, शून्य हुआ। इस आदमी ने जिसका नाम राजेश चेतन है, इसने मेरा कभी साथ नहीं छोड़ा। आज ये विजय गोयल जी अभी चले गए, इनका भी मेरे पे उपकार है। अटल जी से मेरे जबरदस्त नाते रहे हैं, अब तो शिव कुमार जी रह गए होंगे, जबरदस्त। और कविता में हम लोग आपस में बम्बई में साथ साथ घूमे थे। ये प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति बनी उनके घर लेके गए मुझे। मैं सच कह रहा हूँ, मैं ये सब कुछ मैंने विवेकानंद से सीखा है। वाह वाह। आज यहाँ पर ऋतु जी बैठी हैं, सबसे पहले नगर पालिका में दिल्ली में कवि सम्मेलन था वो विवेकानंद का ही था। जहाँ ये मुझे मिली थी। अच्छा हाँ, वो ये तो 180 साल पुराने हैं। अब मैं क्या हूँ, 18 साल क्या, अब मुझे क्या पता है, मैं तो अब मोहन जोदड़ो के अंदर हूँ। नहीं नहीं कुछ नहीं, बाहर नहीं अंदर हूँ। 40 साल तो लगातार पढ़ा। पिछले वर्ष लाल किले में मुझे बुलाया गया कविता पाठ के लिए। मैंने कहा भाई ये तुम्हारे जितने बैठे हैं इनमें मुझसे सीनियर कौन है, और आज भी तुम मुझसे कविता पाठ के लिए बुला रहे हो, तो ये मेरा सम्मान है कि अपमान है? आप बुलाइए मुझे, ढंग से बुलाइए जैसे आज आपने बुलाया। हमने तो आपको डेरा प्रमुख बना के बुलाया है, इससे बड़ा सम्मान आपको दे नहीं सकते हम, बताइए। लेकिन अगर अगर मैं डेरा प्रमुख हूँ तो मेरा भी डेरा प्रमुख विवेकानंद है। हाय हाय हाय, क्या बात, वाह 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 वाह, बात हो, जय हो। तो अब मैं आपको कुछ सुना दूं? जी जी, क्योंकि उसके लिए तो बुलाया गया हूँ, वरना ये पैसे नहीं देगा।
पैसे तो चाहिए नहीं। और पैसे नहीं देगा तो मैं टैक्सी के पैसे कहाँ से दूंगा। मैं तो आज भी कल भी फाटे खाता, आज भी फाटे खाऊ, कभी का कभी हूँ। सुनाइए। कभी किसी के पीछे नहीं गया साहब, कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, ये बैठा है बिल्कुल, सिर्फ और सिर्फ फकीरी और कविता, ये मेरी जिंदगी है। कि तुम्ही से प्यार करता हूं, तुम्ही से प्यार करता हूं प्यार। ए भाई अब एक ही काम चलेगा, हट हट जा। कि तुम्ही से प्यार करता हूं, तुम्ही पे जान देने आया हूं, तुम्ही से प्यार करता हूं, तुम्ही पे जान देने आया हूं, आखिरी वक्त है इम्तहान देने। वाह 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 वाह। अब गीत कौन सा पढ़ूं, जो तू कहे। जिंदगी की ना टूटे लगी, यही से ये तो मन सुना दो, क्यों कोई चिंता कर रहे। हाँ यार आज मेरे मन का भी, हाँ, सुन लो, आज मन का सुना दो। ये तो रोजाना बजते ही रहते हैं। अब अच्छा मजे की बात है, मेरे पास ट्रांजिस्टर नहीं, गाड़ियों में मैं घूमता नहीं। ट्रांजिस्टर तो मोदी जी के अलावा किसी के पास नहीं रहा आजकल, और मन की बात उसी में करते रहते हैं। अच्छा उनके पास भी नहीं है, वो भी औरों के पास है। जैसे मेरे पास अब लोग कह रहे हैं साहब कल से वो प्रोग्राम दिए जा रहे हैं ट्रांजिस्टर, हाँ। मेरे पास है ही नहीं, मुझे पता ही नहीं क्या। अच्छा मजा आता यार आपका प्रोग्राम, बहुत अच्छा। और क्या कहूँ, आज मेरा एक मन है साहब, अगर आप कहें तो मैं सुना दो। सुना दो, मन वाला सुना दो। अब न रहे वो रांझे, अब न रही वो हीर, जमाना बदल गया। क्या बात है, क्या कहने मिश्रा। मैंने लाल किले को तालियां बजाना सिखाया है, 40 साल लगातार पढ़ा है मैंने। अब न रहे वो रांझे, अब न रही वो हीर, जमाना बदल गया, दुनिया कुछ से कुछ बन बैठी, हम तो रहे फकीर, जमाना बाबा जिंदाबाद गया। यार तालियां हो जाओ मिल्क तुरंत आ रहा है, खुल जाएगा। साहब बंद देखना कि प्राणों में अंगार भरे हैं, प्राणों में अंगार भरे हैं, हम अपने से खूब लड़े हैं, साज मिला आवाज खो गई, ताज बना मुमताज सो गई। हाय हाय क्या बात है, ताज बना मुमताज सो गई, क्या बात है। साज मिला आवाज खो गई, ताज बना मुमताज सो गई, एक हमारे पास बची है यादों की जागी, जमाना बदल। क्या कहने भाई, कमाल है, तालियां भाई मिलके, क्या कहने, वाह वाह वाह।
अब न रही वो हीर जमाना बदल गया। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ हाँ, अगर आप भी बजा सकते हैं, सेहत में तो अच्छे हैं, ताली बजाने में भी ठीक है। साहब जरा देखिए, हमने गंगा जमनी तहजीब जी है, लेकिन भारत को जिया है, हिंदुस्तान को जिया है। इस बच्चे ने एक लाइन पढ़ी थी, मुझे अच्छी लगी, हमारी छत से छत मिली हुई है, दिल से दिल मिले हुए हैं, कहाँ जाएंगे, जो जाएंगे वो दुनिया से जाएंगे। वाह, ये भी आपको बोलूं। वाह, और हम डरते नहीं हैं। एक बात और बता दें, डरता कौन है? जो मृत्यु से डरता है। हम तो मृत्यु को जो मुट्ठी में मसल के रख देते हैं। सच कह रहा हूँ, मैंने तो जिंदगी भर यही भोगा है, और अभी और मसलूंगा जब तक जिंदा हूँ। जरा ये लाइन है देखिए, आपसी दा चाहिए कि ये रस्में ये खाम ख्याली, ये रस्में ये खाम ख्याली, सूख गई मन की हरियाली। वाह वाह, सूख गई मन की हरियाली, रस्में ये खाम ख्याली, सूख गई मन की हरियाली, उनके आंगन रोज दिवाली, हमने उम्र हवन कर डाली। वाह, हमने उम्र हवन कर डाली, क्या कहने। उनके आंगन रोज दिवाली, हमने उम्र हवन कर डाली, बना महाभारत है। अब इस टाइम जो कृष्ण है हमारे नरेंद्र जी, उनको सोचना पड़ेगा मैं कहा क्या बोल रहा हूँ। कविता इशारा होती है, ठीक बात है, कविता नाम वाम लेके कुछ नहीं होती, वो तो बकवास हो जाती है। हाँ, कविता इशारा है, मैं कुछ बोल रहा हूँ कि जीवन बना महाभारत है, सांसों पर बैठा जयद्रथ है, जीवन बना महाभारत है, सांसों पर बैठा जयद्रथ है, लेकिन कहाँ सत्य का रथ है, झूठी कसमें झूठा व्रत है, लेकिन कहाँ सत्य का रथ है, झूठी कसमें झूठा व्रत है। आ, इस लाइन पे साहब खड़ा कर दूंगा आपको, आपने ऐसी लाइन नहीं सुनी। ना केशव का, ना केशव का पांच जन्य है, ना अर्जुन के तीर, जमाना बदल गया। वाह वाह, रही वो हीर जमाना बदल गया। वाह चेतन दा ने धन्य कर दिया। ये तो धन्य वाले लोग सारे बैठिए साहब, आप बन सुनिए। देखिए जैसे दादा कहें वैसे चलते जाओ, आज की शाम यादगार शाम होने वाली है। मैं बता, मैंने इतना अच्छा मूड दादा का कभी देखा नहीं जैसे आज चल रहे हैं। बल्कि खांसी भी आ गई थी, कोई बात नहीं, मुझे तो ऋतु जी ने खांसी को डंडा लगाएंगे इस बार। तुम्हारा ही डंडा अच्छा लगता है। बाकी तो मुझे किसी की परवाह नहीं सर। इन्होंने कहा अभी एक चौकी में मुझे बुला रहे थे पैसे दे रहे, इन्होंने मुझसे छूटते ही बोला चौकी पे जाओगे नहीं जाओगे, इमेज खराब होगी।
मैंने कहा नहीं जाते, नहीं गए, नहीं गए, बिल्कुल नहीं गए। तो साहब इस पे आप जरा देखिए, कभी शायर ये चेतन, ये अनिल, ये बच्चे, ये अफजल, 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 वाह अफजल, बहुत बढ़िया, ये नंदिता और वो प्राची, 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 छोरियों के नाम सब याद कर लिया आपने? नहीं, किसी के भी नाम याद नहीं, ये नहीं मेरा नाम याद रहेगा। ये तो मैं लिखवा के लाया, ये सब अमेरिका अमेरिका कह रहे हैं। अमेरिका मुझे बुलाया गया, वहां ये कहा गया कि इतना सम्मान तो आज तक किसी को नहीं मिला। क्या बात है? और मुझे शिकागो में ये कहा गया, इस एक प्यार का नगमा को बोले कि साहब हर देश की एक एंथम होती है। मैं बड़ बोले नहीं बोलता हूँ, जो बोला गया वो बोल रहा हूँ। हर देश की एक एंथम होती है, संतोष आनंद तो आलमे एंथम लिखी है। क्या कहने, अगर विवेकानंद जी को कुछ मिला तो संतोष आनंद को भी कुछ मिला है। बिल्कुल ठीक है। मैं वहां जाते ही बोलता था, आई एम फर्स्ट इंडियन, लव एवरी अमेरिकन। वाह, क्या बात, ये मेरा वर्ड होता था। बहुत अच्छे। तो अगर अंग्रेजी तुम जानते हो, हमें भी आती है। मैं अपनी बेटी से एक बार जरूर कहना चाहूंगा, तू अंग्रेजी के बीच में हिंदी लाती है, हिंदी के बीच में अंग्रेजी ला। दादा मैं एक घटना मुझे याद आ गई आपसे क्षमा के साथ में। अभी मैं एक कार्यक्रम में गया, ये होटल इंपीरियल में, तो सारा कार्यक्रम अंग्रेजी में चल रहा। मैं, मुझे क्यों बुलाया, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है। तो मैं तो कॉन्फिडेंस का आदमी हूँ, कोई बात नहीं निकाल लेता हूँ। मैंने कहा ये बताओ रात को किस किस को सपने अंग्रेजी में आते, हाथ उठाओ। चौबे साहब एक भी नहीं था जिसको रात को सपना अंग्रेजी में आता। तो मैंने कहा फिर हिंदी सबको आती है? बोले हाँ जी आती है। तो मैं हिंदी में बोलूँ, हाँ। अब मैं बोलूं? हाँ बोलो। अब मैं कवियों पे बोल रहा हूँ। हाँ। आपने जमाने की बातें सुन रहे हैं, उस पर दाद दे रहे हैं, और आपको इस ढंग की लाइन कहीं नहीं मिलेगी। वाह। दावे से बोलता हूँ, मैं जो बात बोलता हूँ दावे से बोलता हूँ, क्यों मैंने कविता नहीं की है, तपस्या की। वाह वाह, बात बोल। और कविता के अलावा कुछ नहीं किया। मेरे बड़े बड़े लोगों से खूब संबंध रहे, आजकल तो मैं फोन भी नहीं करता हूँ, उन्हें भी मेरे याद नहीं है। अभी आपने विजय जी का, इनका भी एक एहसान है मेरे पे, मैं भूलता नहीं हूँ किसी को। तो कहाँ चली यार, यार ये सब तरफ देखते हैं, सब तरफ चोरी, ऐसा मत समझना, चोरी छोड़ के जाए अच्छा नहीं लगता। बैठ जा, बैठ जा, आ जा, जा जा जा, मैं बात माफ कर दिया, तेरे मतलब की चीज सुना रहा था। जी राहुल साहब सुनाओ। कि नहीं निराला कुछ कर पाया, नहीं निराला कुछ कर पाया, ना गालिब ने महल बनाया। हाय हाय, क्या बात है, ना गालिब ने, क्या दाद दो तो मर्दों की तरह, मर्दों की तरह। कि नहीं निराला कुछ कर पाया, ना गालिब ने महल बनाया, औरों के दुख को अपनाया, तब कविता का छंद सजाया। वाह 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 वाह, बैठ जा, जाने वाला, जब खड़ा करूंगा तब अपने आप हो जाओगे, बैठ जाओ। अच्छा वो फोटोग्राफर है? अच्छा अच्छा, वो बैठ गया तो कैमरा बैठ जाएगा, बैठ जाने दे यार, कोई बात नहीं, मेरी तस्वीर तो उसके दिल में है। हाँ बिल्कुल ठीक है, उसके दिल में कैमरा फिट नहीं है।
सुना, कैमरे की जरूरत नहीं थी, अपनी तो तस्वीर रहती है, जिसके दिल में रहती है रहती है। नहीं निराला कुछ कर पाया ना, गालिब ने महल बनाया, औरों के दुख को अपनाया, तब कविता का छंद सजाया। वाह वाह वाह, आपदा चाहिए आपसे तो आंसू के घर, आंसू के घर रहन पड़ी है शायर की तकदीर। वाह वाह वाह, क्या कहते हैं, अब न रही वो रानी, अब न रही वो हीर, जमाना बदल गया। आखिरी बंदे फिल्म में गए, कहीं गए, राज कपूर के साथ रहे मनोज, लेकिन हम फक्कड़ रहे, हमसे उन्होंने लाखों करोड़ों कमाए और हम वहीं के वहीं रोड पे रहे, लेकिन आपके दिलों में तो रहे। सबसे बड़ी कमाई तो हमारी ये है। जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी बन दे रहा हूं और आप मुझे जम के साथ देना यार, मेरा आना सार्थक होना चाहिए। बंजारे थे बंजारे हैं, बंजारे थे बंजारे हैं, गर्दिश में टूटे तारे हैं, आवारा हैं नाकारे हैं, लेकिन कभी नहीं हारे। आवारा है नकारे लेकिन कभी नहीं हारे हैं, क्या कहने है? आवारा है नकारे हैं लेकिन कभी नहीं हारे हैं। लाइन सुनेंगे, मैं फिर कह रहा हूं खड़ा कर दूंगा आपको। देखा, हाथों पे खुद तो पे खुद रच डालेंगे कोई नई लकीर। बदल गया, वाह 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 वाह। जमाना बदल गया, दुनिया कुछ से कुछ बदल बैठी, हम तो रहे फकीर। जमाना बदल गया, विवेकानंद जी भी अकेले रहे ना, मेरे पे तो जिम्मेवारियां बहुत रही परिवार, सच कह रहा हूँ। अगर मुझे भी आज भी मैं सोचता हूँ कवि को और को संत की तरह रहना चाहिए, बहुत अच्छा, उस पर जिम्मेवारियाँ नहीं होनी चाहिए, ये दो दूनी चार नहीं होना चाहिए। रोजाना ये सोच रहा कि यार कितनी कमाई करनी है, घर का खर्चा चल रहा है, वो चक्कर में ऐसी की तैसी होकर रह जाती है, कविता नहीं कविता आधी रह जाएगी, फिर सोचते रहेंगे यार किस दिल लिखूं। बहुत सारे खेल हैं। चलिए दोस्तों एक काम करते हैं, समय बहुत हो रहा है, जो सदी का मिलेनियम सॉन्ग जिसको कहा गया, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, इसके साथ समापन करेंगे कार्यक्रम का और सब मिलके गाएंगे। दादा को मैं कहूँगा, आपको बताना चाहता हूँ मैं, राज कपूर जी की, मनोज कुमार की अनेक फिल्मों के गीत दादा को कंठस्थ, मैं तो आश्चर्य करता हूँ कि इतनी आयु में कम से कम 200 गीत तो याद हैं।
अगर आप कोई एक शाम संतोषानंद के नाम करें तो 6-7 घंटे लगातार सुना सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है इनके अंदर। और लेकिन अब समय जैसा हो रहा है, ठंड भी बहुत हो रखी है, मैं चाहता हूं कि आखिरी गीत सुने आप, एक प्यार का नगमा है मोजो के रवा, ये गीत नहीं है गीता है, अपने घर साथ लेके जाना और रास्ते भर में आपको याद आएगा। एक प्रोग्राम किया भी था मैंने, प्रोग्राम किया गीत से गीता, और वहां पर लोगों ने कहा वास्तव में तो पूरी गीता निचोड़ के रख दी इस गीत के अंदर, मैं चाहता हूं वो गीत आप तक जाए, इसलिए एक बार सब मिलकर तालियां बजाएं संतोष आनंद। बस ये समाप्त है आखिरी गीत भैया, कविता मैं पढ़ रहा हूं, थो पड़ेगा मेरा ले। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है यार, मैं क्या आपको छोड़ दिया, अपन आप गालेंगे भी है। नहीं यार मैं वहां बीकानेर गया, मैंने एक लाइन पढ़ी प्यार का नगमा है, लोग खड़े हो गए, सारा गाना मुझे सुना दिया, मैं सोचता हूँ ये सच्चाई बता यार ये हो क्या रहा है, मेरे दो लाइन ऐसे ही लिख दी थी, किसी के लिए लिख दी थी। आज आज ये गीत है वो प्रीत कहाँ है ये पता नहीं है, पता तो है बताते नहीं, मैं बताऊंगा कहाँ है वो प्रीत, मुझे पता है। एक प्यार का नगमा है मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। दाद नहीं दोगे क्या, गाने नहीं लगे रहोगे, कुछ पाकर खोना है, बताओ यार मुझे इससे ज्यादा क्या मिलेगा, सब लोग साथ दे रहे हैं आपका, मुझे क्या मिलेगा इससे ज्यादा, आपके महल हो ताज महल हो कोई कुछ नहीं, इससे ज्यादा किसी को नहीं, जीवन से एक उम्र चुरा कहने बाबा बाबा दादा नहीं कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। मनोज कुमार ने नहीं देता, पत्नी पे दो ही लाइन लिखी और वो ये है, आप भी अपने घर जाके सुना सकते हैं, हाल तो आप रोज गाते हैं, आपको पता भी नहीं होता कब गाने लगते हैं एक प्यार का नगमा, ये अजीब खेल बन गया, मुझे भी पता नहीं था। तू धार है नदिया की, अब बताइए ऐसा मैंने आपको कोई रिश्वत दी है, अकेली कविता चीज है जिसमें ना रिश्वत है ना भ्रष्टाचार है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, चाहे तूफान हो भूचाल हो सुनामी हो ज्यादा देर की नहीं होती, चली जाएगी फिर समतल हो जाएगा सब कुछ, इसलिए अगर आप तक पहुंचे तो आप मुझ तक पहुंचना, मुझे ये जताओ कि हाँ मैंने तपस्या की है। बिल्कुल तूफान को आना है आकर चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का छा कर ढल जाना है, आहा
मेरी तो जिंदगी है साहब, ये जो मैं लाइन सुनाने जा रहा हूँ, परछाइयाँ रह जाती, क्या कहने, परछाइयाँ रह जाती, रह जाती निशानी है बाबा। जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी है। दो बंद और सुनाएंगे जो फिल्म में नहीं है, आपने कभी नहीं सुना, आप सुनिएगा जो बिल्कुल अलग है। आपको रोक के दिखा रहा, नाचेंगे सब लोग अभी। और भाषा देखिए, मैंने भाषा का प्रयोग कर दिया है बिल्कुल प्लेन। आज उर्दू वाले भी इस तरह लिख रहे हैं, जो मैंने भाषा को प्लेन कर दिया बिल्कुल। सच बात कह रहा हूं आपसे, सारे मेरे दोस्त हैं, दुबई मेरा दीवाना, अमेरिका मेरा दीवाना। हाँ मैं कह रहा हूँ, ये गर्व से कह रहा हूँ, क्योंकि मैं हिंदुस्तानी हूँ। क्या कहने, वाह वाह। बन सुनिए साहब, जो शायरी को जानते हैं, जो नहीं भी जानते, मैंने हमेशा कोशिश ये की कि नीचे से नीचे वाला भी और ऊपर से ऊपर का विद्वान वाला जो भी है, वो सब मिलके गाएं सबके स्वर में। मैंने ऐसी कविता का खेल किया है, बोलियों से भाषा बनती है, ये फालतू के शब्दों को घुसेड़ने से या रखने से कविता कभी बड़ी नहीं होती। कविता कह सकते हैं, जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे हाय हाय कोई और न आएगा। भाई बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत दादा, क्या कहने। अभी आपने बहुत कुछ नहीं सुना, अभी सुनने वाले और अगली लाइनों पे फिर खड़ा कर दो, ये मेरा दावा देखी। अभी तो बैठ जाओ, सुन तो लो, एडवांस से चल रहा। जो बीत गया है वो अब दौर न आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और न आएगा। घर फूंक दिया हमने, हाय हाय क्या कहने, वाह वाह। फूंक दिया हमने अब राख उठा, हाय हाय बाबा है जिंदगी कुछ भी नहीं तेरी है। बहुत वाह। एक प्यार का नगमा है, आखिरी आखिरी सुनना, लास्ट मंथ। इसमें विवेकानंद भी है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भी है। ये नरेंद्र का हाथ दो, अलजबरा में कहते हैं ना, मतलब दोनों नरेंद्र हैं। विवेकानंद का नाम भी तो नरेंद्र था, ये क्यों भूल जाते हो। तो दोनों नरेंद्र हैं इसके अंदर। मैं मोदी जी का बहुत मानने वाला आदमी हूँ, प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं, एज ए पर्सन। प्रधानमंत्री के तौर पे तो उन्हें काम करने हैं संविधान के, उसमें रहते हुए, लेकिन उनके अंदर एक और जो उनके बारे में बोलता है ना गलत, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। और बाहर जाके बोलता है फिर तो मेरा ये जी होता है जाके इसको सही करके रखता हूँ।
अरे यार, एक अकेला आदमी क्या 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 नहीं कर रहा है, क्या क्या आपके देश को बनाने के लिए। वो अकेला, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर, वो वाली बात है। वो इसके अंदर मैं बोलता हूँ, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं, जो दे तोड़ डाक सुने के उदास तबे अकेला चलो रे, तेरी आवाज सुन के कोई नहीं आता है, तू अकेला चल। सब चुनौती समय कोई नहीं है, आए आए ना नहीं आए, आए तू चल। मजरू सुल्तानपुरी कहते हैं, मैं अकेला ही चला था जानी बे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इसके अंदर भी चुनौती कोई नहीं, आते गए बनता गया। अब आप मुझे देखो, और नरेंद्र जी जो हमारे, उनका वो देखो, और विवेकानंद को क्या कहने, जिंदाबाद। आप सारी बात है, और इसके अंदर चुनौती है कि नहीं है। मैंने चार चार बार, मैं घमंड से नहीं कह रहा हूं, चार चार बार टांग टूटने के बाद जो जीवन औरों को दिया, शायद मैं मृत्यु को ही जीता रहा। क्या कहने, वाह वाह वाह। आखिरी बात आपसे कह रहा हूं, स्वागत। तुम साथ न दो मेरा, चलना मुझे आता है। क्या कहने, वाह वाह, जम के दो दास भाई सब मिलके एक बार, कैसी क्या बात है। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।